नमस्कार, मैं हूं आशुदत्त। 30 दिन में स्टॉक मार्केट के लिए टेक्निकल चार्ट्स को कैसे मास्टर करें, ये सबसे अहम टॉपिक है। चाहे आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो, करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, F&O में ट्रेड कर रहे हो, कोई भी चीज़ में, या डे ट्रेडिंग करें, सबके लिए चार्ट्स के बगैर कुछ हो नहीं सकता। चार्ट्स सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, प्राइस, वॉल्यूम और टाइम। देखिए, हर स्टॉक में या हर स्टॉक की जो मूवमेंट होती है तीन चीज़ों पे निर्भर करती है। एक तो प्राइस, वो तो हम समझ गए, 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, वो 120 पे जा रहा है, 130 पे जा रहा है। मगर अगर वो स्टॉक 400 शेयर्स पे जा रहा है, 600 शेयर पे जा रहा है, तो आपकी रिस्क बहुत हाई है। आप दूसरे दिन खरीदोगे वो स्टॉक नीचे की तरफ आके बंद हो जाएगा। तो सिर्फ क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है हम नहीं खरीद सकते। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और पहले वॉल्यूम उसकी 500 थी, दूसरे दिन 5000 है, स्टॉक 100 से 120 गया मगर वॉल्यूम 5000 हो गई, 120 से 140 गया वॉल्यूम 50000 हो गई, 140 से 160 गया वॉल्यूम जो है 1 लाख हो गई, इसका मतलब ये है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ने के बावजूद और लोग उस स्टॉक को खरीदने आ रहे हैं। मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तभी प्राइस बढ़ती है। तो मतलब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आपको सेफ्टी बन जाती है, आपको ये सेफ्टी मिल जाती है कि बड़े लोग खरीद रहे हैं। तो आप अगर बहती गंगा में हाथ भी धो लिए तो बहुत अच्छी बात है, चलो सभी धो रहे हैं, हम भी चले गए, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका रिस्क और भी कम होगा। प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, और एक महीना भी हो गया है कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों बढ़ती जा रही है और जो मार्केट है ऊपर की तरफ ही जा रहा है एक महीने से। मतलब अब आपको टाइम कॉन्फर्मेशन भी मिल गई। मतलब यही नहीं है कि कोई एक दो दिन किसी ने मैनिपुलेशन कर लिया या कोई इंस्टीट्यूशन खरीदने आ गया तो दो तीन दिन स्टॉक चल गया, मगर ऐसा है कि सस्टेन्ड बाइंग आ रही है, जिसका मतलब है इनसाइडर्स, प्रमोटर्स, मैनेजमेंट को कुछ पता है, या इंस्टीट्यूशंस को कुछ पता है, या कोई नई डेवलपमेंट आने वाली है जो हमें पता नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक शुरू हो गया है। तो ठीक है, अगर वो हो रहा है तो हम भी चलते हैं उसके साथ। इसलिए जब आपको प्राइस, वॉल्यूम और टाइम की कॉन्फर्मेशन मिल जाए, उससे अच्छी चीज़ और इससे कम रिस्क वाला ट्रेड वो नहीं हो सकता। और मेरी सजेशन आपसे यही होगी कि आशुदत्त के जो कोर्स है 30 डेज को टेक्निकल चार्ट्स को मास्टर करने के लिए ऑनलाइन, आपको www.ashudat.com पे भी मिलेगा या www.adi.fin पे भी मिलेगा, adifin.com पे भी मिलेगा। अगर आप दोनों के वीडियो और उसको दोनों को एक साथ तालमेल में रखें और प्रैक्टिस करें जाके, मतलब ऐसे स्टॉक खरीदें जहां आपने प्राइस और वॉल्यूम भी देखिए चढ़ते हुए, प्राइस और वॉल्यूम और उसके साथ वक्त भी है, वक्त के साथ साथ भी वो चलता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस एकदम इंप्रूव होगी और जो आपके लॉसेज होते हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आशुदत्त।